और क्या है? यार तुम लोग यहाँ बैठ के आराम से चकली खा रहे हो। तुझे क्या हो गया, तो परेशान क्यों लग रहा है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। गाइस मेरा बर्थडे आ रहा है। आई नो, कुछ प्लान किया है तुमने? श्रुति अपने बर्थडे पे बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करना चाह रही है, बट आई हैव टू स्टॉप हर। इन फैक्ट वी हैव टू स्टॉप हर। आई मीन दोस्तों पे तो कभी एक रुपया खर्चा किया नहीं, लानत है। लेकिन अपनी बीवी पे तो खर्चा कर यार, तेरी बीवी है। हमें देख, अपनी बीवी के बर्थडे के दिन बीवी जयंती मनाते हैं, 1 वीक सेलिब्रेशन रखते हैं। अरे बात खर्चे की नहीं है यार, बात तारीख की है। 18 तारीख को है उसका बर्थडे। 18th को तो तुम्हारे घर भी कुछ है ना, पार्टी और समथिंग। हाँ, बट बर्थडे थोड़ी ना है, वो तो मैं मैनेज कर लूंगी। ग्रेट। लेकिन हमने जो शपथ ली थी उसका क्या? हम इस बॉल पे हाथ रखकर शपथ लेते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे ज्वालामुखी फटे या भूकंप आए, चाहे बीवी चिल्लाए या मुंह फिलाए, हम फीफा 2022 का फाइनल एक साथ मिलकर पूरी शिद्दत से देखेंगे। मैं होश में नहीं था यार, पता तो है तुम लोगों को। अभी तो होश में है ना, बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसी की लाइन थी ना, चाहे बीवी चिल्लाए या मुंह फुलाए। अरे मुंह तो तब फुलाएगी ना जब उसे मैच के बारे में पता होगा। उसे तो अपने बर्थडे के आगे कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है। सब सॉर्टेड है गर्ल्स, मेरे फ्रेंड का एक पब है, वो उसका एक सेक्शन हमको पार्टी करने के लिए दे देगा। तो ठीक है ना, पब्स में भी तो प्रोजेक्शन स्क्रीन्स होते हैं, वहां मैच देख लेंगे। स्क्रीन पर गाने चलाएंगे और स्टेप्स मैच करेंगे। किसी का सर सामने आएगा, किसी का हाथ, मैच कैसे देखेंगे मुन्ना? और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होगा बोला। पहले जैज, फिर क्लब एंड फाइनली सम पॉप। पॉप है पॉप। यार जरा सोचो क्या क्या सोचा था हम लोगों ने। जर्सी पहनेंगे, पेंट लगाएंगे, अपनी टीम को चीयर करेंगे। यार कितनी मस्ती करने वाले थे। किसी और दिन नहीं पैदा हो सकती थी तेरी बीवी। अरे बहुत सही दिन पैदा हुई है इसकी बीवी। क्या बोल रहे हैं? जरा सोच यार, फ्री ड्रिंक्स, फ्री फूड, यस, और बाकी सारे काबू से भी बच गए। सेटअप, डेकोर, केटरिंग, सर्विंग, और सबसे घटिया पार्टी के बाद की सफाई। लाइफ सेट हो गई यार, खाए पिए किसके, हमारा कौन, हम किसके। भाई मैच विदाउट कमेंट्री, इस पानी पूरी विदाउट पानी, एकदम ड्राई। तो उसका भी तो सलूशन है यार। क्या? बता बता। ऊपर मैच लगा कर कान में एयरफोन्स लगा लेंगे, सामने वीडियो, कान में ऑडियो, गेम ऑन, और एयरफोन्स निकाले बर्थडे ऑन। भाई ये तो एक टीम से दो शिकार हो गए। भाई आई एम रियली एक्साइटेड नाउ फॉर द फाइनल्स। अबे तू अपनी बीवी के बर्थडे पर फोकस कर। बीवियां हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर उनके बर्थडे के दिन उनके पति का उन पर से जरा भी फोकस शिफ्ट हो जाए, वरना तेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वैसे इस किए कराए पर कितना पानी फेरा तूने? मतलब थोड़ा सा डैमेजेस ब्रो, वही अराउंड 1 लाख। 1 लाख? और कब से पैसे जोड़ रहा है इस बर्थडे फंड के लिए? अरे यार वो 2 लाख की एक FD थी, वो मैच्योर हो रही थी, तो 1 लाख यहाँ लगा दिए, बाकी 1 लाख FD को रिन्यू करा लूँगा। तू प्राचीन काल से है क्या? अरे यार मैंने 1-2 बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ट्राई किया था, बट बहुत तामझाम है भाई। मतलब जितने ऑप्शंस ना उतना कन्फ्यूजन। हमने इसे ET मनी के बारे में नहीं बताया क्या? आज हम तुझे समझाएंगे इन्वेस्टमेंट्स का फलसफा। तू म्यूचुअल फंड्स में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता ना, क्योंकि तुझे डर लगता है, स्ट्रेस होता है, और तुझे मेहनत नहीं करनी। एग्जैक्टली। तो अपने पैसे को काम पर लगाना। वो कैसे? सबसे पहले तू अपने फोन पे ET मनी ऐप डाउनलोड कर। यहाँ पे हर फंड का रिपोर्ट कार्ड मिलता है, जिसे यूज करके तू आसानी से विनिंग फंड्स चूज कर सकता है, और टॉप फंड पे अप टू 1% एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी मिलता है। यस। और पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पैसा कैसा काम कर रहा है? यहाँ पर तुझे रेगुलर पोर्टफोलियो हेल्थ चेक मिलता है, वो भी फ्री में, ताकि तुझे बिना मेहनत किए पता चल सके कि पोर्टफोलियो में कोई गड़बड़ तो नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली तू चेंजेस कर सकता है। अरे चेंजेस करने में ही तो बहुत मेहनत है भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा काम करे और मैं करूँ आराम। ब्रो दे हैव एन ऑप्शन, जहाँ तेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और टेन्योर के हिसाब से तुझे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज मिलते हैं, और फिर हर महीने मार्केट के हिसाब से ET मनी बताता है कि इस पोर्टफोलियो में क्या चेंज करना है, ताकि हर मार्केट में तेरी इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म करें, समझा? ओके। एक बार ट्राई करके तो देख, क्या पता श्रुति के नेक्स्ट बर्थडे पर तेरा प्रॉपर्टी तुझे स्पॉन्सर कर दे। डाउनलोड कर ऐप। ओके गाइस, डिसाइड हो गया है, श्रुति का बर्थडे हम पब में करेंगे। पता है? पता है? अरे इसका मतलब है कि पता क्या है पब का? वहां जाकर पता करना पड़ेगा ना कि जगह कैसी है एंड ऑल दैट। अरे वो सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है? तैयार होके जाएंगे, बाकी पब वाले हैंडल कर लेंगे, है ना? या नहीं, नहीं मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए सुपरविजन तो तुम लोगों को ही करना पड़ेगा। हाँ तो तुम
केटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। क्या मेन्यू डिसाइड करना है ना, 3 वेज स्टार्टर 3 नॉन वेज पापड़। अरे नहीं, मेन्यू डिसाइडेड है। तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है टेस्टिंग और सर्विंग की, यानी कि क्रिस्पी वेज क्रिस्पी होना चाहिए, हरा भरा कबाब हरा भरा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेस्टोरेंट्स पता है आजकल क्या करते हैं, बिगिनिंग में स्टार्टर्स के 2 राउंड्स कर देते हैं और उसके बाद गायब। यू हैव टू मेक श्योर कि जब तक मेन को सर्व नहीं होता स्टार्टर्स शुडंट एंड। और बेबी तुम बार पर ही रहना। डन। ड्रिंक्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। यू तो नो ना बेबी, आई ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। वो नहीं यार, यू हैव टू मेक श्योर दैट हर एक गेस्ट को ड्रिंक मिली है, कौन क्या पी रहा है, किसका ग्लास खाली है, किसे रिफिल चाहिए, कौन मॉकटेल पी रहा है, कौन कॉकटेल पी, ऑल दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और किसी को क्रिस्पी वेज चाहिए हो ना तो मेरे पास भेज देना। और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मुझे पता है, मुझे तो सिर्फ बर्थडे गर्ल का ध्यान रखना है। नहीं 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 नहीं, वो हम कर लेंगे। तुम्हें उससे भी इम्पोर्टेंट टास्क करना है, बर्थडे गर्ल के इंस्टा का ध्यान रखना है। देखो तुम ना फोटोग्राफर के साथ ही रहना, शी हैज टू हैव अ पिक्चर विद एवरीवन, सोलो विद कपल्स ग्रुप्स गर्ल गैंग गाय गैंग, और सबसे इम्पोर्टेंट केक कटिंग के टाइम पे लाइव चले जाना। गाइज मुझे लगता है हम लोग डाइग्रेस हो रहे हैं। सी देखो, हम सबको फोकस जो है वो एंजॉयमेंट पे करना चाहिए ना, फोटोज पे। मतलब इतनी सारी फोटोज चाहिए क्यों, है ना डार्लिंग? अरे इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं तो इतना तो बनता है राइट? और मुझे नहीं चाहिए कि लोग कहे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इनफैक्ट आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ पिक्चर्स। एक महीने का इंस्टा मटीरियल रेडी हो जाना चाहिए। सो गाइज डू योर जॉब्स प्रॉपरली, जो बर्थडे गर्ल चाहेगी वही होगा, पीरियड। एक्साइटेड। इतिहास में ना पहली बार हुआ होगा ये, एक तीर से 3 शिकार। अरे तेरा काम तो आसान है, मेरा सोच स्टार्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। स्टार्टर्स पार्टी में सबसे ज्यादा स्टार्टर्स लगते हैं, स्टार्टर्स सर्व करते करते मैं खत्म हो जाऊंगा। अब मैं गोल देखूंगा या पनीर रोल। अरे मेरे बारे में सोचो यार, एक दो ड्रिंक पीने के बाद पार्टी में ड्रिंक्स की क्वांटिटी स्पीड डिमांड सब बढ़ जाता है। Yes. मैं फील्ड पर फोकस करूंगा या फिर रिफिल पर। अबे यार तुम दोनों अपनी कहानी में लगे हो। अरे मैं बर्थडे हस्बैंड हूँ भाई, सारी फोटोज में मुझे होना पड़ेगा, और उसके बाद वो श्रुतिका वो सोशल मीडिया हैंडल करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम रील्स वो बूमरैंग वो स्टोरीज क्या क्या बनानी पड़ेगी। मैं मैच में का फोकस करूंगा यार। लेट्स स्टिक टू द ओजी प्लान। ओजी प्लान में हम ये बर्थडे कैसे इंक्लूड करेंगे? क्या कहा था इसने याद नहीं है? ये बीवियों को ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि उनके बर्थडे पे 1 इंच भी फोकस उनसे शिफ्ट हो। और वहां तो 100 इंच का प्रोजेक्टर लगा होगा भाई, तब क्या होगा? होगा वही जो बर्थडे गर्ल चाहेगी, करेक्ट? इस बात को हम अपनी एडवांटेज के लिए यूज करते हैं ना। हमें सिर्फ श्रुति को कन्विंस करना है कि वो अपना बर्थडे पब में सेलिब्रेट करने की बजाय मेरे घर पे सेलिब्रेट करे। यार अभिमन्यु यार, तू अच्छी तरह जानता है मीरा और रोहिणी को, वो उल्टा हमें कन्विंस कर लेंगी, यू नो दैट। फिर तो एक ही रास्ता है, तोड़ना पड़ेगा। किसी घटिया ऊंची सोच है तेरी। मैंने आज तक किसी भी बात के लिए रोहिणी पे उंगली तक नहीं उठाई। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज नॉट जस्टिफाइड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तू अरे यार, अबे उसका मतलब है डिवाइड एंड रूल। हां, ओह इमोशनल हो जाता है। यूनाइटेड वी स्टैंड। श्रुति यार प्लीज एक बार बैठो, प्लीज बैठो। ये क्या बोल रहा है यार? इट्स अ बर्थडे यार अभिमन्यु। एक काम कर, तू ही बोल, इफ शी इज ओके आई एम ओके, बोल। हुआ क्या है? आई एम सो सॉरी श्रुति, तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर मैं और मीरा नहीं आ पाएंगे। बताओ व्हाट, क्यों, क्या हुआ? उस दिन हमारे घर पर ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी पार्टी प्लान्ड है, फीफा फाइनल विद फ्रेंड्स। हां बट मीरा सेड शी विल मैनेज। मीरा का यही प्रॉब्लम है, वो सबको खुश रखना चाहती है, वो ना नहीं बोल पाती है। अब हमारे घर पर इतनी बड़ी पार्टी प्लान्ड है तो ऑब्वियसली आई नीड हर या मोर देन यू नीड हर देयर। बट आई आल्सो नीड यू देयर। ड्रिंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है ना, ऋषि तो ऑलरेडी स्टार्टर्स पे है। हाँ वो स्टार्टर्स के लिए तुम्हें दूसरा मुंडू कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी अभी के यहाँ जाना पड़ेगा। पर रोहिणी आ जाएगी। अरे नहीं यार, दिस इज नॉट डन। तुम एक काम करो, अपना प्लान पोस्टपोन कर दो। तुम्हें पता है ना मेरा बर्थडे साल में बस एक बार आता है, और फीफा 4 साल में एक बार। ऐसा ऐसा ये दोनों कह रहे हैं बेबी। इट इज लाइक लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर। अब सोचो किसी का बर्थडे लीप ईयर में आता हो, 4 साल में एक बार, वर्सेस उसका जिसका हर साल आता है। 4 साल ज्यादा या 1 साल? 4 साल 1 साल। लिसन आई हैव एन आइडिया, तुम एक काम करो, अपने फ्रेंड्स को पब पे बुला लो। अब बहुत देर हो चुकी है श्रुति, फ्रेंड्स ने सारा प्लान बना लिया है और वेंडर्स को एडवांस भी जा चुका है। अरे हाँ, एडवांस से याद आया कि मुझे वो पब वालों को भी एडवांस भेजना है ना, अभी तो वो मैंने भेजा नहीं अभी तक तो। रुक जा, आई हैव एन आइडिया, रुक। देखो यार, नाउ नो मोर आइडियाज।
सुन तो ले मेरी बात। अरे रुक यार, श्रुति सब कुछ प्लान कर चुकी है यार, यू कांट चेंज एनीथिंग। अरे विवेक एक बार सुन तो लो। अरे नहीं यार, तुमने सब कुछ प्लान कर लिया, क्यों तुम बोलो। सो आइडिया ये है कि क्यों ना तुम अपने फ्रेंड्स को अभी के घर ले आओ, ओकेजन वही, लोकेशन नहीं, मजा आएगा। एंड इट विल बी अ सेफ बेट। देखो उस दिन फीफा फाइनल्स है, जितने भी तुम्हारे फुटबॉल लविंग फ्रेंड्स है ना, वो तो डेफिनेटली तुम्हें डिच मार देंगे यार। और बिना फ्रेंड्स के तुम लोग एंजॉय कैसे करोगे यार? और यहां पर तो फुल अटेंडेंस गारंटीड है। अरे यार पर वो फीफा और बर्थडे दोनों मैच कैसे होगा यार? टाइटैनिक देखी तुमने? हां। द फिल्म इज नॉट अबाउट द शिप, इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी बिटवीन जैक एंड रोज। टाइटैनिक तो बस बैकड्रॉप में है यार, वैसे ही फीफा फाइनल बैकड्रॉप में चलता रहेगा और स्टोरी विल बी अबाउट योर बर्थडे। You are Rose. Wow, wow. And just imagine the amount of money that you will save. Post birthday, तुम मीरा और रोहिणी के साथ shopping पर भी जा सकती हो. Icing on the cake. Christmas special shopping. Yes. I like it. It's a good idea. In fact, ये football theme बहुत unique है. Very unique. मेरे circle में किसी ने नहीं किया है. So it should work. You will be the coolest in your circle. There you go. Cheese toast. Guys, I have decided. मैं अपना बर्थडे अभिमन्यु और मीरा के घर पर ही करूंगी विद फीफा फाइनल्स एज द बैकड्रॉप। ये कब? व्हाट अबाउट द मॉम? आई एम श्योर। अरे यार तुम लोग प्लीज अब मेरी श्रुति को कंफ्यूज मत करो, शी हैज डिसाइडेड और जो बर्थडे गर्ल चाहेगी वो ही होगी। मैच शुरू होने वाला है ना, तो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी देर मैच देख लेते हैं, तो थोड़ी देर मैच देख लेंगे फिर थोड़ी देर म्यूजिक सुन लेंगे। ठीक है, ओके, कोई नहीं। ओके, कमेंट में का बूमरैंग। अच्छा श्रुति, हमें एक और पार्टी में जाना है। बाय, हैप्पी बर्थडे। बाय, थैंक यू। इन्होंने तो कहा था कि स्टोरी मेरे बर्थडे की होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही स्टोरी चल रही है। yeah! Yes! Yes! Oh! ये और कितनी देर चलेगा? 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है तो 40 मिनट। 15 मिनट तो फिर 40 मिनट क्यों? अरे 15 मिनट दो टीम के और 10 मिनट बीच में रेस्ट करेंगे, पानी पियेंगे। Yeah, she's losing it. तो my team was also losing it. Last में संभाल लिया, उसे भी संभाल लेंगे। नहीं नहीं यार, इसे इमीडिएटली बंद कराओ, पार्टी शुरू करते हैं। मैं भी बंद कराऊंगा तो मैं विलन बन जाऊंगा। यू वांट मी टू बी एक विलन? कम ऑन, नो ना, संभाल लो, आई नो यू कैन डू इट, संभाल लेना, प्लीज 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 प्लीज। श्रुति, हैप्पी बर्थडे। श्रुति कहाँ गई? श्रुति, आपको अंदाजा भी आपकी बीवी का है? यार अभी तो यहीं थी ना वो। लगता है वो निकल गई, तू भी निकल ले। मैं नहीं निकल पाऊंगा यार, मुझे तो यहीं कोना दे दे, यहीं सो जाऊंगा यार। तो फीफा के फाइनल्स तो 18 तारीख को हो रहे हैं, और कौन सी टीम कितने गोल स्कोर करेगी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर ये मैच और लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को आप एंजॉय करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी इन द मोमेंट। यस, और एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है वो ये है कि आपका पैसा ग्रो कर रहा है कि नहीं। और इस प्रॉब्लम का सलूशन है ईटी मनी, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेगा कि बेटर रिटर्न्स के लिए कब और कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो डाउनलोड ईटी मनी और पैसे को काम पे लगाओ। एंड आई होप यू रियली लाइक दिस एपिसोड, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस।
एंड सब्सक्राइब टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग। जैसे इजी मनी पर पैसा ग्रो कर रहा है वैसे ही हमारा सब्सक्रिप्शन ग्रो कर रहा है। ओके गाइस, दिस इज ऑल ओवर, साइनिंग आउट, लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू।